आया उससे कितने संतुष्ट हैं? रिजल्ट जो आया है जनता के आदेश का हम सम्मान करते हैं। जनता ने जो निर्णय लिया है अपना, जनता ने ये स्पष्ट आदेश दिया है, एनडीए के बहुत विरुद्ध में नहीं दिया है। आज लोकसभा हमने जीता है, विधानसभा हमने एक जीता है और हर जगह टक्कर में रहे हैं। हाँ, लोगों तक थोड़ी सी समझाने की जरूरत है और बताने की जरूरत है कि आज बिहार के हित में अपराध, आतंकवाद, भ्रष्टाचार का पोषक कतई नहीं हो सकता है। राष्ट्र हित में लोगों को जुड़ना चाहिए, राष्ट्र हित में आगे बढ़ के आना चाहिए। कैसे कह सकते हैं चार सीट पर जेडीयू लड़ रही थी, एक सीट ही निकाल पाए? आप लोग अपना खाता भी नहीं खुला आपका। एक सीट पर निर्दलीय भी जीता है, वो लोग तो हम ही लोग का काज करता रहा है। आप ऐसे कहिए, वो भी तो मेरा ही काज करता रहा है। और दो सीट पर जहाँ आरजेडी इसे जनता का आक्रोश माना जाएगा, जिस तरह से ये परिणाम है, आक्रोश नहीं है। जनता को राष्ट्र हित के साथ और विशेष तौर पर जोड़ने की जरूरत है, विकास के साथ जोड़ने की जरूरत है। जनता का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है, लेकिन जनता महान है, उसके जो निर्णय होते हैं उसका हम लोग अनादर नहीं करते, लेकिन हमारी तैयारी बहुत ढंग से हो रही है। और पहले भी ऐसा हुआ है, बाई इलेक्शन में हम लोग का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जनरल इलेक्शन में ही हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा होता है और होगा। इस परिणाम से क्या लगता है कि जनता अब एनडीए को नकारने की तैयारी कर चुकी है? जनता हमको कहती है कि और ज़्यादा मजबूती से काम कीजिए और बढ़ाइए जो हम करेंगे, कि जनता का अलार्म है और इसको हम स्वागत करते हैं। हम ज़्यादा मजबूती से काम करके ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। चार सीट पे थे, एक पे ही खाता खुल पाया आप लोग काफ़ी? नहीं नहीं, ठीक है, जो ये बात सत्य है कि चार सीटों पर लड़े थे, एक सीट पर जीत हुई। कुछ कारण रहा, हमको लगता है उम्मीदवारों के प्रति लोगों में उतना उत्साह नहीं था, इसका ये परिणाम मिला। और रेक्टिफाई किया जाएगा आने वाले चुनाव में। आने वाले दिनों में लगता है कि आप लोग को विचार विमर्श करने की जरूरत है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इन सब चीज़ों पर खुद ही निर्णय करते हैं और खुद ही चीज़ों पर सचेत रहते हैं, समझते हैं, निर्णय करेंगे आने वाले समय।